हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसीसी ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि एसीसी ब्रिक क्या होता है, इसकी क्या क्या खूबी होती है, या रेड ब्रिक से कैसा डिफरेंस होता है, इसने कैसे सिविल की पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही यूज़फुल इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एसीसी ब्लॉक। फुल फॉर्म जो एसीसी ब्लॉक की होती है रटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक। आप ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का ब्लॉक होता है एसीसी ब्लॉक। इसका जो कलर होता है वाइट कलर में होता है ये, और ये सिविल कंस्ट्रक्शन में एक नया आया है ये ब्लॉक। इसका हम लोग यूज़ थर्मल लेजर थर्मल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है एसीसी ब्लॉक। जो एसीसी ब्लॉक होता है वो उसका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, और ये एल्युमिनियम लाइम ब्लेंड सीमेंट फ्लाई ऐश में रिएक्शन करके इसको मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। और जो एसीसी ब्लॉक होता है ये बहुत ही लाइट वेट होता है, इसकी वजह से जो इसका डेंसिटी होता है वो 550 से 650 केजी पर मीटर क्यूब होता है। मतलब अगर हम एक क्यूब का बॉक्स बना के उसमें अगर पूरा फुल करके एसीसी ब्लॉक को रखें तो उसका वेट 550 से 650 केजी होगा, और ये 25% स्ट्रॉन्गर होता है अदर इसी डेंसिटी 550 से 650 केजी पर मीटर स्क्वायर के वेट के जो अदर होते हैं सेम प्रोडक्ट, उससे ये 25% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये सिविल इंडस्ट्री में ये नया है, और इसने इस समय जो रेड ब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। और इसका यूज़ हम लोग थर्मल में भी करते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, ये हीट को वापस ट्रांसमिट कर देता है, बिल्डिंग के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो इसको हम लोग एज अ थर्मल भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ एसीसी ब्लॉक। एसीसी ब्लॉक के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला होता है इस एसीसी ब्लॉक का अपना नॉमिनल साइज़ होता है। इसका साइज़ होता है 9 इंच × 8 इंच × 4 इंच से लेके 12 इंच तक। और नेक्स्ट है, इसको अगर हम लोग रेड ब्रिक से इसके वॉल्यूम को हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका वॉल्यूम रेड ब्रिक के 7 के बराबर होता है। 7 ब्रिक के रेड ब्रिक के बराबर इसका एक ब्रिक का वॉल्यूम होता है। और उसके बाद ये है, ये जो एसीसी ब्लॉक है ये 9 से 12 केजी के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है मॉइस्चर कंडीशन पे, और अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो जो एसीसी ब्लॉक है वो 60% तक डेड लोड जो होता है उसको डिक्रीज करता है, कम करता है। फोर्थ है, ये खाली डेड लोड को ही कम नहीं करता, इसके अलावा जो स्टील और जो कंक्रीट होता है यूज स्ट्रक्चर में उसको भी डिसिपरेट करता है। इसके अलावा जो जॉइंटिंग होता है एसीसी ब्लॉक का वो इसका इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि जो इसमें मोटार जो लगता है वो बहुत कम लगता है, जितना मोटार 7 रेड ब्रिक में लगता है उसके बराबर इसमें मोटार का यूज़ होता है। सिक्स्थ जो होता है वो होता है जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है एसीसी ब्लॉक का, वो ज़्यादा होता है, 5 से 6 न्यूटन होता है स्क्वायर मीटर। और जो रेड ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 3.50 न्यूटन होता है स्क्वायर mm। और जो सेवन्थ है, इसका फायर रेजिस्टेंस जो इसका होता है वो अच्छा होता है, और 2 आवर से लेके 6 आवर तक इसका फायर रेजिस्टेंस रहता है, ये डिपेंड करता है साइज़ पर। और ये अच्छा है, जहाँ पे फायर सेफ्टी हमको चाहिए वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकता है, वहाँ के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। 8th है, जो इसका पोरस नेचर होता है एसीसी ब्लॉक का, इसकी वजह से जो इसका साउंड एब्जॉर्प्शन जो इसकी कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और एक एसटीडी रेटिंग होता है जिसको कहते हैं द साउंड ट्रांसमिशन क्लास रेटिंग, वो एसीसी ब्लॉक का 45 dB से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसका यूज़ हम लोग ऑडिटोरियम का जो वॉल होता है होटल हॉस्पिटल स्टूडियो एक्सेट्रा में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। 9th है,
जबकि ये अर्थक्वेक में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि इसका वेट कम होता है, और अगर किसी बिल्डिंग का वेट जितना कम रहेगा उसमें उतना ही कम लॉस होगा अर्थक्वेक की वजह से। तो इस अर्थक्वेक वाले एरिया के लिए सुटेबल है। 10th होता है जो ACC ब्लॉक होता है, इसको हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं। और जो इसको हम लोग काटते हैं, जो हमारे पे वुड कटर जो होता है, हैंड सो, हैक्सा ब्लेड, हम लोग इससे भी इसको ईजिली काट सकते हैं, और इससे हम लोग ईजिली अच्छा हमारा प्रोडक्टिविटी निकल जाएगा, आउटपुट अच्छा आता है, इससे जल्दी काम होता है क्योंकि ये हल्का होता है, ईजी इससे काम हो जाता है, ये मोटार भी कम लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा फिनिश टाइम होता है वो कम हो जाता है, जल्दी फिनिश हो जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है। और जो ACC प्रोडक्ट होता है, ये इसमें किसी भी प्रकार का टॉक्सिक गैस जो होता है वो मिला हुआ नहीं होता है, सब्सटेंस नहीं होता है इसमें, ये एकदम प्योर होता है, हार्मफुल नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी एसिड नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरिजन बिटवीन ACC ब्लॉक, ACC ब्रिक एंड क्ले ब्रिक। तो पहला जो है स्ट्रक्चर कॉस्ट, जो ACC ब्रिक जो होता है वो लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से जो डेड लोड होता है बिल्डिंग का वो कम होता है। तो डेड लोड अगर कम होगा तो हम लोग स्टील भी हम लोग कम यूज़ करेंगे, तो उस वजह से हमारा अप टू 15% स्टील हमारा बच जाता है। और रेड क्ले ब्रिक में कोई सेविंग नहीं होता है। नेक्स्ट है वेस्टेज ब्रेकेज, जो ACC ब्लॉक होता है, ये इसका जो वेस्टेज जो होता है 5% से कम होता है, और रेड ब्रिक होता है उसका हम लोग वेस्टेज 10-12% लेके चलते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन स्पीड, तो ACC ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन स्पीड ज़्यादा होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि इसका वेट लाइट होता है, ये इजी कट हो जाता है, किसी भी साइज में हम इसको शेप दे सकते हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन स्पीड ज़्यादा होता है, और रेड क्ले का इसके कंपेरिजन में स्लो होता है। नेक्स्ट है सीमेंट मोटर और प्लास्टर और मैसनरी, मैसनरी और प्लास्टर में इसका सीमेंट मोटर कितना लगता है। तो जो ACC ब्लॉक होता है इसमें जो कम मोटर लगता है, क्योंकि जी इसका सरफेस होता है प्लेन होता है, और इसमें जो जॉइंट होते हैं वो कम होते हैं, और जो रेड क्ले ब्रिक होता है इसका जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, ऊपर नीचे हल्का बहुत होता है, और जो इसमें नंबर ऑफ जॉइंट है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसमें जो हमारा मोटर सीमेंट मोटर होता है उसकी खपत ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जो नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, मतलब इसकी उपस्थिति कब आ जाता है ये, तो जो ACC ब्रिक होता है वो उसको हम लोग कभी भी मंगा सकता है, और जो क्ले ब्रिक रेड ब्रिक होता है इसका जो शॉर्टेज हो जाता है बारिश की वजह से, जो चिमनी उमनी होता है ये बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से मानसून में इसका शॉर्टेज आता है। और नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग, जो ACC ब्लॉक होता है वो अप्रोक्स 30% एनर्जी को कम करता है, एयर कंडीशन लोड जो होता है उसका, उसकी वजह से, क्योंकि ये ठंडा ही रहता है, जिसकी वजह से हमारा AC का जो लोड होता है वो 30% तक कम हो जाता है। और जो रेड ब्रेक होता है उसका कुछ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी इन डायमेंशन, तो इसकी एक्यूरेसी 99% रहती है, और जो ब्रिक होती है रेड ब्रिक उसकी 90% रहती है। नेक्स्ट है कॉस्ट, जो ACC ब्लॉक होता है इसका कॉस्ट 30% चीप होता है रेड ब्रिक से, और जो रेड ब्रिक होता है वो मोर कॉस्टलियर होता है। ये कुछ डिफरेंस थे ACC ब्लॉक और क्ले ब्रिक में, जिस वजह से हम लोग इसको अब सिविल में यूज़ कर रहे हैं, ये सिविल इंडस्ट्री में न्यू आया है, और बहुत ही यूज़फुल है और सस्ता है, हर कंडीशन में ये अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।